हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर आज अपना स्टार्ट हो रहा है 44, और जिसके अंदर जैसा कि अपनी पिछले लेक्चर पर बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग आज अपन सर्कुलर मोशन का मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सर्कुलर मोशन की स्टेज 1, 2 और 3 इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे, और स्पेशली जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाए थे वो क्वेश्चन तो आपने अच्छे से कर ही लिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपकी दिक्कत होगी, तो चलो उस दिक्कत का आज अपन समाधान करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब मैं जब क्वेश्चन करता हूँ, देखो ध्यान से, मेरे सॉल्यूशन से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपने मैंने आपको क्वेश्चन टिक करवाया, उस क्वेश्चन को आपने घर जा कर के ट्राई किया, ठीक है ना। मतलब घर पर ही हो, अभी घर जा कर के क्या जाना, कहाँ पर, घर पर बैठ करके आपने उसको ट्राई किया अच्छे से, क्वेश्चन को आपने एक बार, दो बार, तीन बार किया, फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ। पहली बार आपने ट्राई किया, आपने अलग तरीका लगाया, दूसरी बार आपने अलग तरीका लगाया, तीसरी बार आपने अलग तरीका लगाया, फिर भी आपका आंसर नहीं है। आपने अपने सारे के सारे जो तर्कस में तीर थे वो आपने काम में ले लिए, फिर भी आपसे क्वेश्चन अगर नहीं बना तो फिर उसके बाद में आप में एक एक्साइटेशन होना चाहिए, आप में एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यार जब सर इसको सॉल्व करवाएंगे तो कौन से तरीके से इसको सॉल्व करवाएंगे, मैं कहाँ पर, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पे मात खा रहा हूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर जिस दिन ये कैलकुलेशन आप करने लग गए, आप अपनी अच्छाई, मतलब आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप पहचानने लग गए, उस दिन ये मान लो कि आपकी जो सक्सेस है उसका ग्राफ है ऑब्वियसली राइज करेगा, भाई एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, पक्की बात है। क्योंकि आपको आपकी जो ताकत है वो मालूम होनी चाहिए, आपको आपकी कमजोरी वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ताकत है उससे अपन क्या कर सकते हैं, अभी अपन एक्स्ट्रा पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, और अपन अपनी जो कमजोरी अगर अपने को मालूम है तो वहाँ पर अपन ज़्यादा मेहनत करके उस कमजोरी को अपन दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब तक अपन अंधी पढ़ाई करेंगे कि बस सर ने पढ़ा दिया, अपन ने पढ़ लिया, सर ने आज क्या समझाया, सर ने क्या बताया, कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई, कौन सा फॉर्मूला मेरे को याद करना है, इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को सोल्व करने हैं, ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो तो मेरे को क्या करना है, अगर इन चीज़ों की स्ट्रेटेजी आपके माइंड में नहीं है तो फिर आपको पढ़ाई से, कोई लेक्चर से आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है भाई। तो प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए यार, ठीक है ना। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए आपको प्लानिंग है वो तो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक बनानी पड़ेगी। तो चलो करते हैं आज अपन लेक्चर की स्टार्टिंग, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेज फर्स्ट का। स्टेज फर्स्ट मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, स्टेज फर्स्ट अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 10 kg और 5 kg द्रव्यमान की दो वस्तुएं r और r त्रिज्या के सकेंद्रीय वर्तों में समानावर्तकाल से गति करें, इनके अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात कितना देगा। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है आपके पास, ए सी। ए सी बराबर क्या होता है, एक तो होता है वी स्क्वायर बटे आर, ए क्या होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आवर्तकाल की बात करें तो ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2π/T, तो क्या बन जाएगा आपके पास 4π² / T² इंटू क्या देगा आपके पास आर। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्तकाल क्या भी आपके पास समान है, द्रव्यमान की तो बात ही नहीं है, तो ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास आर। तो अगर आपको ए सी 1 और ए सी 2 इन दोनों की बात करनी है तो ये आपके पास है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 7, क्या कह रहा है देखो, घड़ी की मिनट वाले कांटे और घंटे वाले कांटे की कोणीय चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, ये अपन कर सकते हैं। मैंने आपको मिनट वाला, सेकेंड वाला और घंटे वाला तीनों जो सुइयाँ उनका कोणीय वेग आपको बता रखा है, कर लेना आप अपने आप ही। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, 8, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की लंबाई कितनी भी उसकी अक्ष से मापने पर 30 सेंटीमीटर है और पंखा 1200 rpm से घूम रहा है तो पंखुड़ी की नोक का त्वरण कितना हो जाएगा। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ऐसा है कि सबसे पहले त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगी आपके पास है 0.3 meters। और इसके बाद में ओमेगा की बात करते हैं, कोणीय वेग की बात सुनना भी, ये कितनी हो जाएगी 1200 rpm, मतलब क्या हुआ कि पंखा एक सेकंड के, एक मिनट में 1200 चक्कर काट रहा है,
अब एक मिनट में 1200 काट रहा था, एक सेकंड में कितने काटेगा? 60 का भाग लगाओ, ये आपने लगा दिया 60 का भाग। तो अब आपके पास आ गया RPS, यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी चक्र प्रति सेकंड। एक सेकंड के चक्कर आ गए, और इसके बाद इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो, कोणीय वेग आपको तब प्राप्त होगा अभी। तो कितना देगा आपके पास में, तो 1200 बटे 60, तो कितना देगा आपके पास में, तो 20 हो गया ना, 20, तो 20 को 2π से, तो ये आपके पास हो जाएगा 40π। और अपन जानते हैं कि त्वरण AC, ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, AC बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। वैल्यू फुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अपन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 1.6 मीटर लंबी डोरी से बंधी जल से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में अचल चाल से घुमाया जाता है। ओके, मतलब बाल्टी है ना ऊर्ध्वाधर तले में घूम रही है, एक समान चाल से घूम रही है। न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए कि पश्च पथ के शीर्ष बिंदु पर बाल्टी से पानी नीचे ना गिरे, जी बराबर 10 लेना आपको। लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, वर्ताकार पथ में अपन बाल्टी को घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे ये रस्सी होगी, और इसके बाद में ये आपके पास इस प्रकार से यूं, ये बाल्टी है, ये बाल्टी होगी। अब ये जो बाल्टी के अंदर जो पानी है, इस पानी पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है कितना भी mg, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगता है भी mv2/r। ऊपर की तरफ लगने वाला अपकेंद्रीय बल अगर mg को बैलेंस कर देगा, तो इस स्थिति में पानी पे नेट फोर्स 0 जाएगा, पानी नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। काट दोगे तो आपके पास v बराबर कितना देगा, अंडरूट का r इंटू जी। वैल्यू फुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 18 के बाद में अगला अपना अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं ध्यान से। एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वर्ती पथ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, तो कार का त्वरण कितना देगा? बहुत आसान है, सबसे पहले अपन निकालते हैं AC। AC बराबर कितना देगा, v2/r। v कितना है, 30, 30 का स्क्वायर कितना देगा, 900/r। कितना देगा भी, 500, तो ये आपके पास 9/5 हो गया। और इसके बाद 80 बराबर कितना होता है, dv/dt। और इसकी चाल है वो 2 से बढ़ रही है, तो dv/dt कितना देगा आपके पास, 2। तो बेटा आपके पास AC आ गया, आपके पास 80 आ गया। अगर आपको निकालना है A, तो A बराबर क्या होता है, AC² + AT² का रूट। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, कौन सा, 20वां क्या करें। एल लंबाई की लोलक के धागे को ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री के कोण पर ले जाकर छोड़ा जाता है। लोलक की माध्य स्थिति में तनाव को संतुलित करने के लिए धागे पर न्यूनतम प्राबल्य होगा। क्या कह रहे हैं, 90 डिग्री पर ले जाकर यहाँ पर छोड़ दिया। ओके, तो देखते हैं अपन ध्यान से देखना। देखो, तनाव को संतुलित करने के लिए, देखिए ध्यान से, मतलब टेंशन कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है आपको। धागे को यहाँ से आपने छोड़ा, धागा जब यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी देगी इसकी, L, ये लंबाई L, यहाँ पे इसका U बराबर कितना देगा, 0, यहाँ पे अपन V निकालेंगे, तो इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा, एक तो लग जाएगा mg, और एक नीचे की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास, mv2/L, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास, T, यहाँ से आपके पास T बराबर कितना देगा, mg + mv2/L, v बराबर कितना था, अंडर रूट का 2gh, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो h किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर। तो ये आपके पास है mg + v2 कितना हो जाएगा, 2gl, तो कितना देगा आपके पास है, 2mg, तो 2mg + mg बराबर कितना देगा आपके पास है, 3mg, तो आंसर कितना देगा आपके पास में, 3mg। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन पीछे देख लेता हूँ क्या कह रहा है ये, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कम समझ में आ रही है ना। तो क्वेश्चन नंबर स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दे रहा है इसका 2, यानी 3mg, मतलब टेंशन ही पूछ रहा है एक प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखो। एल त्रिज्या की ऊर्ध्वाधर वृत्त में उच्चतम बिंदु की स्थिति पर डोरी में तनाव शून्य होने के लिए निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, √5gl। बस, h ऊंचाई से छोड़ा गया एक गुटका चित्र में दर्शाए गए पथ का अनुसरण करता है,
यदि वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है तो ऊर्ध्वाधर वृत्त पूर्ण होने के लिए कौन सा समन सही होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये आपके पास एच हाइट दे रखी है। एच हाइट से ब्लॉक जब इसके बॉटम पर पहुँचता है, यानी वर्ताकार पथ के निम्नतम बिंदु पर पहुँचता है, इसके इसका वेग कितना हो जाएगा? रूट टू जी एच। तो वेग हो जाएगा आपके पास रूट टू जी एच। और ये जो वेग है ना, ये अगर रूट फाइव जी आर से बड़ा हुआ तो ये वर्ताकार पथ को पूर्ण कर पाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा रूट फाइव जी आर। तो रूट से रूट को काट देंगे, जी से अपन जी को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव आर बाई 21वां हो गया, सॉरी 22वां हो गया ना। 22 के बाद में 23वां देवदान से क्या करें? एक लड़ाकू विमान है, आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग कितना हो जाएगा? अभी लड़ाकू विमान इस प्रकार से यूँ घूम रहा है, ये आपके पास है 23 हो गया, लड़ाकू विमान यूँ घूम रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर इसका वेग कितना हो जाएगा आपके पास? वी। तो नीचे की तरफ एम जी लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एम वी स्क्वायर बटे क्या दे रखा है? आर दे रखा ना, एम वी स्क्वायर बटे आर। एम जी और एम वी स्क्वायर बटे आर को बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा 23। के बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है 24। क्या कह रहे हैं से? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु चित्रानुसार आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल वी से घूम रही है, ए से बी तक जाने पर वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? एक समान चाल वेग से घूम रही है, तो वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, सदीश वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा, डेल्टा वी बराबर कितना था? 2V साइन थीटा बाई 2। और ए से बी तक जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो 90 बाई 2 कितना होता है? 45 यानी 2V 1 बाई रूट 2। तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 2 इंटू वी, ये आपका आंसर आ गया। और बेटा स्टेज फर्स्ट है वो आपकी फिनिश हो गई। तो ये क्वेश्चंस थे, इनके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट में भेजना, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेज सेकंड की क्वेश्चंस है वो देखते हैं। देखिएगा, स्टेज फर्स्ट अपनी फिनिश हो गई, तो अगली है स्टेज सेकंड। कौन कौन से क्वेश्चन टिक करवाए थे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन टिक करवाया था 9th। एक पहियों को इसके अक्ष के परित एक समान कोणीय त्वरण यानी अल्फा से घुमाया जाता है, प्रारंभ में कोणीय वेग कितना है? 0। प्रथम एक सेकंड में कितना थीटा 1 कोण, अगले एक सेकंड में कितना थीटा 2 कोण? तो थीटा 2 बटे थीटा 1 आपको पता करना है। तो बात सुना भी, क्वेश्चन नंबर है कौन सा भाई? 9th। तो आपके पास में से ओमेगा नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 0। अपन जानते हैं थीटा एंथ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ओमेगा नॉट प्लस कितना हो जाएगा? एल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये गति का चौथा समीकरण है, पहले सेकंड में कितना हो जाएगा? थीटा 1, ये 0 हो गया। तो एल्फा बाई 2, एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। इसके बाद है थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? एल्फा बाई 2, एन की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो गया। तो आपको थीटा 2 बटे थीटा 1 पता करना है, तो 3:1 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर आप देखो इसके बाद है 10। एक समतल सड़क पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील एक मोटरसाइकिल सवार एक बिंदु पर पहुंचकर मोड़ काटता है, ठीक है ना, जहां की सड़क की वक्रता त्रिज्या कितने भी 20 मीटर है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा आपके पास में? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिसलने से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर से उसका झुकाव कोण किस कोण से अधिक नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो अपन खुद क्या करते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो अपने को खुद को ऐसी प्रैक्टिस होती है, उसका कारण अपने को पता नहीं होता होगा, बट कोई अनपढ़ आदमी जिसने कभी फिजिक्स का पी भी नहीं पढ़ा, वो आदमी भी अगर जैसे साइकिल चलाता है तो जैसे घुमावाती है तो वो अंदर की तरफ थोड़ा सा अपनी साइकिल को झुका लेता है। अब उससे क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलेगा इसने अपनी जो बाइक है इसको इस प्रकार से यूं ऊर्ध्वाधर से किसी कोण थीटा पे इसने अपने आप को झुका लिया, बाइक को थीटा कोण पे झुका लिया भाई, ठीक है ना। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं देवदान से? इस पे इस प्रकार से यूं झुकाएगा क्यों? ताकि इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो भी झुक जाए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा एन। अब इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा भाई? एम जी।
और इस पे बार की तरफ क्या लग जाएगा, अभी बार की तरफ लग जाएगा इस पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो एन है, इस एन के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एन का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या देगा बताओ, ये वाला एंगल अगर थीटा, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं थीटा, तो ये तो आपके पास एन कोस थीटा, और एन का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास एन साइन थीटा। तो यहाँ पर आपके पास में एन साइन थीटा बराबर एन साइन थीटा वो किसके बराबर देगा बताओ, एम वी स्क्वायर बटे आर के बराबर, और यहाँ पर आपके पास एन कॉस थीटा वो किसके बराबर देगा, एम जी के बराबर देगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा आपके पास टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना होता है आपके पास वी स्क्वायर बटे आर जी। तो वी की वैल्यू आप पुट कर दो भाई, वी की वैल्यू आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ये चीज़ होगी भाई। तो टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ से अपन थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है, ओके, एक डोरी से बांधा गया है, डोरी वाला क्वेश्चन अपन ने करा ना, वो टेबल का डायग्राम बनाया था मैंने, याद होगा आपको, टेबल पर पार्टिकल को क्यों घुमाया था, वही क्वेश्चन होगा ये। डोरी से बांधकर निश्चित केंद्र के प्रीत अक्सर कोणीय वेग ओमेगा नॉट से घुमाया जाता है, कोणीय वेग तथा डोरी की लंबाई दुगुनी करते हैं तो डोरी में तनाव का मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले तनाव तो लिखते हैं अपन, आपको मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा था, देखो अंदर की तरफ तनाव कितना हो जाएगा टी, और बाहर की तरफ कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि कोणीय वेग को भी आपने दुगुना कर दिया, ठीक है ना, और लंबाई को भी आपने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, ये तो कह रहा है ना क्वेश्चन, कोणीय वेग तथा डोरी लंबाई दोनों को अगर अपन ने दुगुना कर दिया तो तनाव, देखो ये तो कितना देगा आपके पास है दो, दुगुना कर दिया तो दो का स्क्वायर, लंबाई को भी आपने दुगुना कर दिया तो दो, तो यहाँ पर आपके पास में जो टी डेस है वो देगा आपके पास में कितना 8 × T0, खत्म कहानी। 11 के बाद में क्वेश्चन अपन ने देखा था कौन सा, 14 क्या कर रहे थे से 14। एक घड़ी की सेकंड की सुई कितनी भी 1 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक के वेग में परिवर्तन आपको पता करना है। तो अपन जानते हैं कि v बराबर क्या था, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2π/T इंटू कितना देगा l, तो 2π/T सेकंड वाली सुई का अवर्तकाल कितना था 60, और लंबाई कितनी दे रखी है बताओ 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 1 हो गया, तो कितना देगा आपके पास π/30। और 15 सेकंड में आपको बताया कि सुई होती है वो यहाँ से कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो एंगल कितना देगा 90, तो डेल्टा वी बराबर कितना होता है आपके पास 2V sin θ/2, तो वी तो अपन पुट कर देंगे π/30, थीटा कितना पुट कर देंगे 90, आंसर आ जाएगा भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं अपन, बीच में कोई क्वेश्चन मैंने टिक नहीं करवाया था, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में अभिकेंद्रीय बल माइनस के बटा आर स्क्वायर द्वारा घूम रहा है, तो इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल कितना होगा भाई के बटा आर स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह तो ये बताता है कि डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और अभिकेंद्रीय बल है वो किससे बैलेंस होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर से, तो आर से अपन आर को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास एम वी स्क्वायर बराबर कितना होगा के बटा आर, तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी होती है 1/2 × mv², तो कितना देगा आपके पास है k/2 × r, ये तो आपके पास है काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो u बराबर कितना होता है आपके पास है माइनस का fdr, ठीक है ना, तो माइनस का fdr कर देंगे, तो माइनस का तो माइनस हो गया, f कितना होता है आपके पास है माइनस का k/r², तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस का के, तो बाहर ले लो, ये आपके पास 1/r² dr, ठीक है ना, और कहाँ से अनंत से लेकर के r तक, अनंत से लेकर के r तक, तो बराबर k का k 1/r², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का 1/r होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 1/r,
ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और टोटल एनर्जी आपको निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी भी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 में अपन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे थे ध्यान से, यदि कार के टायरों तथा सड़क के बीच में घर्षण गुणांक म्यू बराबर कितना 0.4, तो 30 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर कार की अधिकतम चाल कितने देगी। वी बराबर कितना होता है अंडर रूट का म्यू आर जी, याद होगा आपको। वी मैक्स बराबर कितना होता है आपके पास अंडर रूट का म्यू आर इंटू जी। ये कब आया था अपना फॉर्मूला, जब सड़क में किसी प्रकार का बंकन नहीं था, ठीक है ना। अगर बंकन होता तो अंडर रूट का म्यू आर जी इंटू अंडर रूट का आर जी इंटू टेन थीटा कर देते फिर अपन, ठीक है ना। तो 31वां क्वेश्चन भी अपना हो गया फिनिश। तो यहाँ तक कोई नोट करना है नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। एक इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी मैंने आपको टिक करवाया था, तो ये भी अपन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है भाई, एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या के पथ पर एक समान वर्ती गति कर रहा है, इसके संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग का परिमाण कितना देगा पी, तो कण पर कार्यरत त्रिज्यीय बल कितना देगा। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास है पी बराबर, सॉल्विंग क्वेश्चन की बात करें तो पी बराबर कितना देगा आपके पास एम इंटू वी, और इसके बाद में आर त्रिज्या के वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो त्रिज्यीय बल, तो ए बराबर कितना होता है आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर, ठीक है ना। तो इसको अपन ऊपर भी एम से नीचे भी अपन एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास एम वी का होल स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा एम आर, एम वी को अपन क्या बोलेंगे पी, तो पी स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास एम आर। देख लो कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देवदान से, एम द्रव्यमान का कोई कण आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल v से गति कर रहा है, एक बिंदु से प्रारंभ कर व्यास के विपरीत बिंदु पर पहुंचने पर, यहां से यहां पे इसका वेग कितना हो जाएगा अभी, वी द्रव्यमान कितना है एम, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो द्रव्यमान एम, वेग कितना देगा आपके पास में वी, तो गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, संवेग में परिवर्तन कितना देगा, यहाँ पे संवेग कितना देगा आपके पास एम वी, यहाँ पे संवेग कितना देगा आपके पास माइनस माइनस एम वी, तो संवेग में परिवर्तन कितना देगा आपके पास है 2mv हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 था ये। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 36। 36 में क्या कह रहे हैं देवदान से, 36 में कह रहे हैं कि एक समतल सड़क पर 4.9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान साइकिल सवार 4 मीटर त्रिज्या के तीक्ष्ण वृत्ताकार मोड़ पर घूम सकता है, साइकिल के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक कितना देगा। लो जी v देर कर r देर कर म्यू आपको पूछा जा रहा है, तो क्या करते हैं ध्यान से देखना, देखो अपन ऐसे देखते हैं कि बाहर की तरफ कितना लगता है एम वी स्क्वायर बटे आर, अंदर की तरफ क्या लगता है अभी फ्रिक्शन, नीचे की तरफ क्या लगता है एम जी, ऊपर की तरफ क्या लगता है अभी एन, तो एन तो किसके बराबर देगा एम जी केयर, एफ बराबर कितना देगा आपके पास म्यू एन यानी म्यू एम जी, और यहाँ पर आपको म्यू एम जी को बराबर करना है किसके एम वी स्क्वायर बटे आर के, एम से अपन एम को काट देंगे तो म्यू बराबर कितना देगा आपके पास वी स्क्वायर बटे आर जी, वैल्यू फुट कर देना आंसर आ जाएगा 36। 36 के बाद में अगला क्वेश्चन अपना कौन सा 42। 42 क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, 42 तो अपन कर लेंगे भाई, ये तो कौन सा देगा, ये तो देगा वही टेबल पर सिक्का रखते हैं और वो फिसलने लगता है, तो अंदर की तरफ फोर्स कितना देगा आपके पास म्यू एन जी, और बाहर की तरफ फोर्स कितना देगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पे म्यू कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा तो आपके पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओमेगा को आपने कितना कर दिया अभी 3 गुणा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो आर कितना हो जाएगा 1/9, पहले आर कितना था 9 था, तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 आपका फिनिश हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है अभी, सर्कस का स्टंट मैन आर त्रिज्या के मोटरसाइकिल घुमाता उच्चतम बिंदु पर वेग, उच्चतम बिंदु पर नीचे एम जी लगा दो और ऊपर की तरफ एम वी स्क्वायर बटा आर लगा दो और दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा 54। बड़ा शानदार क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 54, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखो क्या करे। एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के शीर्ष बिंदु पर विराम अवस्था में रखा एक कण थोड़ा सा विस्थापित किया जाता है एच पर, यह वर्ती वृत्त को शीर्ष बिंदु से एच दूरी नीचे पहुंचकर छोड़ देता है, वर्ताकार पथ को छोड़ देता है। अभी क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये ऐसे मान लो यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल को हल्का सा एक पुश देते हैं अपन, तो यहां पे ऐसे मान लो कि यहां पे यू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 0। यहां पे मान के इसलिए का पार्टिकल वर्ताकार पथ को छोड़ देता है, तो देख सकते हैं अपन, देखो मान के इसलिए का पार्टिकल का यहां पर पहुंचने पर जो वेग है वो वेग कितना हो जाएगा वी। यहां पे पहुंचने पर वेग कितना हो जाएगा आपके पास में वी, तो इस पे नीचे की तरफ तो कौन सा फोर्स लग जाएगा भी एम जी, बाहर की तरफ इस पे कौन सा फोर्स लग जाएगा भी एम वी स्क्वायर बटे आर। ये वाला एंगल कितना देगा मान के इसलिएगा थीटा, तो ये भी कितना देगा आपके पास है थीटा। तो इस एम जी का इधर की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा भी एन। यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बेटा बाहर की तरफ कितना लग रहा है एन प्लस कितना देगा एम वी स्क्वायर बटे आर, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है आपके पास एम जी कॉस थीटा। और कभी भी किसी भी सतह को छोड़ने का मतलब होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आपको जीरो करना है, भी सतह को छोड़ रहा है इसका मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल को आपको क्या करना है जीरो, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल को एन को अपन क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। तो जैसे अपन एन को जीरो कर देंगे तो वैसे आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास आर जी कॉस थीटा, ये वी स्क्वायर बराबर आर जी कॉस थीटा गया। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं वी स्क्वायर की बात करते हैं, तो मतलब ये कितना आपके पास आर, तो ये कितना देगा आपके पास आर कॉस थीटा। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है इसको अपन क्या बोल सकते हैं एच बोल सकते हैं। यहां से लेकर के यहां तक अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास एम जी एच, और एच बराबर कितना देगा आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा बराबर। यहां पे इसका वेग कितना देगा आपके पास में वी, तो गतिज ऊर्जा कितनी देगी एक बटा दो एम वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा कितनी देगी जीरो, क्योंकि इसको अपन एच बराबर जीरो ले रहे हैं भी। तो यहां से एम से अपन क्या करेंगे एम को काट देंगे, तो यहां से आपके पास में वी स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास में टू आर जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और यहां से वी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई आर जी इंटू कॉस थीटा, आर जी से गया आर जी, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा टू माइनस क्या देगा आपके पास में टू कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, माइनस का टू कॉस थीटा तरफ जाकर के थ्री कॉस थीटा, तो थ्री कॉस थीटा बराबर टू, तो यहां से आपके पास कॉस थीटा बराबर कितना देगा आपके पास टू बाई थ्री आ गया, कितना गया टू बाई थ्री। और यहां पर अपने एच एच ही तो पूछा जा रहा है ना, तो एच बराबर कितना होता आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो आर का आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा कितना गया आपके पास है दो बटे तीन, तो एक माइनस दो बटे तीन कितना होता है एक बटे तीन, तो आंसर हो जाएगा आपके पास आर बटे तीन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाया था क्वेश्चन नंबर 59, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा है देखते हैं। चलो यदि चित्रानुसार यदि पिंड 5 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक वर्तीय लूप पूर्ण करता है तब इस लूप की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो h ऊंचाई गिरेगा, तो h ऊंचाई गिरेगा तो इसका वेग कितना देगा u बराबर अंडर रूट का 2gh, तो 2g अपन कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और h कितना देगा आपके पास है 5, ठीक है ना, बराबर अंडर रूट का कितना देगा आपके पास है 5gr, 5g कितना देगा 10, और r कितना देगा आपके पास है r ले लो,
तो यहाँ पे 10 × 5 10 × 5 काट दो तो सोल्व करने पर r बराबर कितना देगा 2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये तो। 59 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 क्या कर रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64। चित्र अनुसार एक सरल लोलक को बिंदु ए से छोड़ा जाता है, एम द्रव्यमान एल लंबाई, लोलक का द्रव्यमान लोलक की लंबाई को प्रदर्शित करता है, तो बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी। भाई गतिज ऊर्जा में वृद्धि स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी, जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी ना उतनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास ए हो गया कि ऊर्ध्वाधर, ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको अपन बोल सकते हैं 30। यहाँ पर पहुँच गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो कितनी ऊंचाई नीचे आ गया, एच नीचे आ गया, तो ये कितना देगा आपके पास एल, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी एल कोस 30 हो गया ना, तो एच बराबर कितना देगा एल कोस 30। कोस 30 कितना था आपके पास √3/2। तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि बराबर क्या देगी आपके पास स्थितिज ऊर्जा में कमी, बराबर कितना देगा एम जी एच, तो एम जी एच कितना देगा आपके पास √3L/2। ये बात होगी भी, क्वेश्चन नंबर 64 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बता देता हूँ जो कि इस स्टेज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 69 क्या कह रहा है देखो, 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया और उसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्र काटता है, तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या हो जाएगी। बात सुनना भाई, ये पत्थर है ना इस प्रकार से यूं चक्कर काट रहा है, तो सीधी सी बात है एक समान चाल से गति कर रहा है, तो इसका त्वरण किधर की तरफ हो जाएगा, केंद्र की तरफ, और त्वरण क्या हो जाएगा आपके पास एसी हो जाएगा। और अपन जानते हैं एसी बराबर कितना होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। अब बात सुनना भाई, 25 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, 14 चक्कर, तो 14 चक्कर का टाइम कितना हो जाएगा आपके पास है 25 सेकंड, तो एक चक्कर का टाइम कितना हो जाएगा आपके पास है 25/14, कि एक चक्कर का टाइम, अगर एक चक्कर का टाइम कितना होता है टी होता है, और ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास 2π/T। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो टी की जगह अपन कितना फुट कर देंगे 25/14 फुट कर देंगे, ठीक है ना, तो ओमेगा देगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फुट कर देंगे, आर बराबर कितना दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से अपन एसी निकाल देंगे और डायरेक्शन हो जाएगी केंद्र के अंदर की तरफ, केंद्र की ओर हो जाएगी, किधर की तरफ हो जाएगी केंद्र की ओर। तो ये थी अपनी स्टेज सेकंड, इसके बाद में अब अपन जस्ट स्टार्ट करने वाले स्टेज थर्ड, तो स्टेज सेकंड तक का काम अपन ने फिनिश कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो अब अपन स्टेज थर्ड वो डिस्कस करते हैं। देखो स्टेज थर्ड में मैंने आपको बताए थे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो करते हैं अपन देखो स्टेज थर्ड, ये मैंने हेडिंग डाल दी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ आपने सब क्वेश्चन से कम ट्राई तो किए होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन थे ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको टिक करवाया था, है ना, 4 करवाया था, 4 भी था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं अपन सबसे पहले, और भी कोई क्वेश्चन था क्या, ना 4 था, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देवदान से अच्छे से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के मोड़ की त्रिज्या कितनी है, आर है, ओके जी। सड़क की चौड़ाई कितनी है अभी, सड़क की चौड़ाई कितनी है अभी, बी। इस पर वी वेग से कार को सुरक्षित गुजरने के लिए सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से एच ऊपर उठाया जाता है, तो एच का मान कितना देगा अभी। सड़क की चौड़ाई मतलब ये बात होगी ना, सड़क की चौड़ाई कितनी देर की आपको बी, और ये एच हो गया, ये आपके पास है थीटा हो गया, और कितना ऊपर उठाया जाता है सुरक्षित गुजरने के लिए। मेरे को याद आ रहा है कि वी बराबर कितना होता है वी स्क्वायर बराबर, कुछ आर जी टेन थीटा नहीं आ रहा था क्या, तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर कितना होता है आपके पास में, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यार फिर ना इस सड़क की चौड़ाई बी है ना,
वैसे ये होती है, बट सड़की चौड़ाई ये वाली चौड़ाई दे रखी है आपको ना, ये वाली चौड़ाई दे रखी है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा आपके पास एच बटे क्या हो जाएगा आपके पास है बी। तो एच का मान कितना हो जाएगा, एच बराबर बी वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है आर जी। ऐसा ऑप्शन जा रहा है क्या, बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो ध्यान से, सड़क की चौड़ाई तो आपको पता है एक्चुअली ये होती है, बट अगर ये होती तो फिर उसके बाद में टेन थीटा निकालने के लिए अपन लिखते हैं एच अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन मिलता नहीं तो फिर सड़क की चौड़ाई अपने को ये माननी पड़ेगी। थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपका होना ही चाहिए। तो चलो बच्चों, इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेज थर्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेज थर्ड, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। ध्यान से देखना, देखो क्या करे, ये कह रहा है कि 2.5 मीटर त्रिज्या के वर्त में नियत वेग से घुमाए जा रहे धागे के अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात 5:3 दे रखा आपको, तो इसका वेग कितना हो जाएगा भाई। जैसे अगर आप किसी धागे से किसी चीज़ को बांध करके घुमाओगे तो यहाँ पे जो तनाव है, यहाँ पे तो तनाव कितना हो जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे एल प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एम जी, और यहाँ पर जो तनाव है वो कितना हो जाएगा आपके पास है टी बराबर एम वी स्क्वायर बटे एल माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एम जी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, टी मैक्सिमम, और यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, टी मिनिमम बोल सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात कितना है भाई, 5:3 है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम बराबर मैक्सिमम कितना देगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे एल प्लस एम जी, एम वी स्क्वायर बटे एल माइनस क्या देगा आपके पास एम जी बराबर क्या देगा आपके पास 5:3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे अपन एम को कॉमन लेकर के काट देंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जी की वैल्यू अपन कितने फुट कर देंगे भाई, 9.8 फुट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ से एल की वैल्यू कितने फुट कर देंगे अपन, 2.5, तो आपको वी का मान प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक एल लंबाई की नलिका में एम द्रव्यमान का एस संपीड़ित द्रव्य भरा है और नली के दोनों सिरों पर बंद है, एक सिरे के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो द्रव्य द्वारा दूसरे सिरे पर आरोपित बल कितना हो जाएगा भाई। ध्यान से देखना, देखो ये अपन बात करते हैं, ये अपने पास से इस प्रकार से कोई भी एक नलिका होगी, इसके अंदर इस प्रकार से कोई लिक्विड भर का अपन है, और इसके सापेक्ष अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे, और नलिका की लंबाई कितनी हो जाएगी एल, और द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन ने लिक्विड भर का है, यहाँ पे आपके पास x बराबर कितना देगा भाई 0, और यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा कैपिटल L, और इसके अंदर लिक्विड का द्रव्यमान कितना देगा m हो जाएगा। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, x डिस्टेंस पर कोई भी एक अल्पांश बना देते हैं, ये अपन ने अल्पांश बना दिया, ठीक है ना। तो ये अल्पांश हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है, यहाँ पर जो बोध बल होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, और जैसे जैसे अपन दूर की तरफ जाते हैं वैसे लिक्विड के कारण लगने वाला जो बल है वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो अगर इस पे इधर वाला जो लिक्विड है उसका बल कितना देगा आपके पास F, तो इधर वाले लिक्विड का बल कितना देगा आपके पास F प्लस DF हो जाएगा, और इसके लिए जो लंबाई है वो कितना देगी आपके पास DX हो जाएगी। अब ये जो आपके पास अल्पांश है, ये मैंने अल्पांश बना दिया, देखो ध्यान से, एल लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा एम, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा एम बटा एल, तो डीएक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा एम बटे एल इंटू डीएक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास डीएम बराबर कितना देगा एम बटे एल इंटू डीएक्स हो जाएगा। अब इस अल्पांश में अंदर से फोर्स लग रहा है कितना भी, बाहर अंदर से फोर्स कितना लग रहा है एफ, और बाहर से फोर्स कितना लग रहा है एफ प्लस डीएफ लग रहा है, यानी नेट फोर्स है वो अंदर की तरफ आ रहा है, और नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना रहा है बताओ डीएफ आ रहा है, कितना रहा है डीएफ।
बाहर की तरफ फोर्स कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अपन क्या बोल सकते हैं भी, एम कितना देगा, एम बटे एल इंटू कितना देगा डी एक्स, ये तो एम हो गया। इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितने देगी आपके पास, एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि डी एफ बराबर क्या देगा आपके पास, एम ओमेगा स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास एल इंटू क्या देगा आपके पास एक्स इंटू डी एक्स। और फिर उसके बाद इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, कौन सा आंसर आ जाएगा अभी, एम ओमेगा स्क्वायर एल बटे दो, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं नौ, क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं अपन, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। नौ कह रहे हैं कि एल लंबाई की डोरी एक सिरे पर बंधी हुई है, ठीक है ना, दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान लटका हुआ है और डोरी स्थिर सिरे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के परिधि चित्रानुसार दो बटा पाई चक्र प्रति सेकंड से सेकंड पूर्ण करती है, ठीक है ना, चक्र प्रति सेकंड पूर्ण करती है। तो आपको डोरी में तनाव पूछ रखा है अभी, तो क्या आपके पास इस प्रकार से डोरी हो गई, और इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं, यहाँ पर जो रस्सी, इस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी एल, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा, और इसके बाद में यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा, अभी नीचे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा एम जी, इधर की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास है टी, तो टी का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है टी कोस थीटा, और टी का ये वाला कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है टी साइन थीटा, बाहर की तरफ कितना देगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो से टी साइन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इसी प्रकार से टी कॉस थीटा बराबर कितना देगा आपके पास एम जी देगा। अब यहां पर अपने को क्या करना है अभी, आंसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, दुदान से आपको चक्र प्रति सेकेंड यानी दो बटा पाई दे रखा है, तो आवर्ती अपन यहां से निकाल सकते हैं एन बराबर कितना देगा आपके पास है दो बटा पाई, ये चक्र प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। और इसको यदि अपन टू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई काट देंगे तो एन बराबर कितना देगा आपके पास है चार हो जाएगा, कितना देगा चार। और फिर उसके बाद यहां से अपन ओमेगा कैलकुलेट कर देते हैं, तो ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास है टू पाई इंटू एन, तो यहां से कितना बन जाएगा आपके पास है दुदान से ओमेगा बराबर कितना देगा टू पाई इंटू एन, ठीक है, सॉरी ये तो आपके पास ओमेगा ही आ गया यार, ये तो आपके पास ओमेगा ही आ चुका है, ओमेगा आ गया ये, तो ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास है चार आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर इसके अंदर अपन चार फुट कर देंगे तो यहाँ से टी, इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा अपन निकालते हैं तो क्या बन जाएगा साइन थीटा बराबर, या चलो एक काम करते हैं साइन थीटा को अपन एक बार साइन थीटा रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर इसको अपन रिप्लेस कर देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को फोर का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है सोलह, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास है जो आर है, अब इस आर और एल के अंदर अपन संबंध निकाल देंगे तो ये तो क्या देगा लंब और ये आपके पास है कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना देगा आपके पास आर और कर्ण कितना देगा आपके पास एल हो जाएगा। तो यहाँ से आर को अपन क्या लिख सकते हैं एल साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा से अपन साइन थीटा को काट देंगे तो टी बराबर कितना देगा आपके पास है 16 ml आ जाएगा। अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बार इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आप देखो। क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ, कोई भी नई बात नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैंने आपको कभी बताई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर तल में एक किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को अवितान्य व हल्की डोरी जिसकी लंबाई कितनी एल बराबर 10/3 से बांधकर वर्ती मार्ग में घुमाया जा रहा है,
डोरी की अधिकतम तनाव न्यूनतम तनाव का अनुपात कितना भी 4 है, ठीक है ना, और जी का मान कितना भी 10 है, तो पत्थर की वर्त के उच्चतम बिंदु पर चाल कितनी हो जाएगी। तो बात सुना भी, अधिकतम तनाव, क्वेश्चन नंबर आपका 10, तो अपन बात करते हैं टी मैक्स अपॉन क्या देगा आपके पास टी मिनिमम। टी मैक्सिमम बराबर कितना देगा आपके पास एम यू स्क्वायर बटे एल प्लस का एम जी, और टी मिनिमम कितना देगा आपके पास एम यू स्क्वायर बटे एल माइनस क्या देगा आपके पास है 5 एम जी, बराबर कितना देगा आपके पास है 4 बटे 1 हो जाएगा। एम को तो अपन कॉमन लेकर के काट देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा आपके पास है यू स्क्वायर बटे एल, एल की यू स्क्वायर बटे एल ही लिख देते हैं एक बार, यू स्क्वायर बटे एल, और इसके बाद प्लस कितना देगा आपके पास है जी, बराबर कितना देगा 4 यू स्क्वायर बटे एल, और माइनस कितना देगा बताओ 5 इंटू 4 कितना देगा 20, 20 जी बन जाएगा। इसके बाद इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो यू स्क्वायर बटे एल माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है 3 यू स्क्वायर बटे एल, बराबर क्या बन जाएगा आपके पास बताओ 20 जी प्लस जी 21 जी बन जाएगा, 21 जी। अब इसके बाद है 3 बटे 3 यू स्क्वायर, एल बराबर कितना दे रखा आपको 10 बटे 3, तो 10 बटे 3 बराबर 21 और जी बराबर कितना देगा आपके पास है 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में देवदान से अपन बात करते हैं किसकी भी यू स्क्वायर की बात करते हैं, तो यू स्क्वायर बराबर कितना देगा देवदान से, सबसे पहले इसको अपन काट देते हैं, इससे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है 70, 70 इंटू 10 कितना देगा 700, 700 बटे 3, तो यू स्क्वायर बराबर क्या देगा आपके पास है 700 बटे 3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी ना, देख लेना आप। अब आपको पत्थर के उच्चतम बिंदु पर चाल पूछ रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर चाल कितने देगी बताओ, v बराबर यू स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास है 4gl होता है, आपको फॉर्मूला तो याद होगा भी, तो यू स्क्वायर अपन निकाल सक चुके हैं कितना 700 बटे 3 माइनस 4g कितना देगा 10, l कितना देगा आपके पास है 10 बटे 3 हो जाएगा, तो कितना देगा आपके पास में देवदान से 400 बटे 3, तो 700 बटे 3 माइनस 400 बटे 3 कितना देगा आपके पास में तो 300 बटे 3, और 300 बटे 3 यानी 100, और 100 का रूट कितना देगा आपके पास है 10, तो आंसर कितना देगा बेटा इसका 10। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखो और कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर मेरे को करवाने। चलो अगला क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक छोटे कुटिए को चित्र में दिखाए अनुसार 4 मार्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग रास्ते हैं, उनके अनुदिश अपन क्या करते हैं किसी भी गुटके को प्रक्षेपित करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, अभी सभी स्थितियों में मार्ग में प्रवेश करते समय गुटके का वेग समान है, तो किस स्थिति में मार्ग के उच्चतम बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है अभी, ये बताना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किस स्थिति में आपको मैक्सिमम प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। देखना ध्यान से देखो, अगर अपन बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो ये इस प्रकार से पथ यूं होकर के यूं बन रहा है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या देगा आपके पास एम जी, और वर्ताकार पथ के बाहर की तरफ क्या देगा आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और बाहर की तरफ भी क्या देगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर, तो यहाँ से आपके पास एन प्लस क्या देगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर क्या देगा आपके पास एम जी, तो यहाँ से एन बराबर कितना देगा एम जी माइनस क्या देगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब अधिकतम चाहिए, अधिकतम, तो एन अधिकतम कब होगा, जब ये माइनस होने वाली जो टर्म है वो न्यूनतम हो, और ये न्यूनतम कब हो सकती है जब आपके पास में, अच्छा आपको क्या पूछा जा रहा है भाई, आर अधिकतम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आर अधिकतम मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपको अधिकतम चाहिए, तो नीचे की तरफ एम जी लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाहर की तरफ नहीं लगेगा यार, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ ये टच कर रहा है, तो ये एन हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा आपके पास एम जी प्लस एन बराबर कितना देगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर, तो एन बराबर कितना देगा आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर माइनस एम जी हो गया, तो
एन आपको अधिकतम चाहिए तो आर क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और आर न्यूनतम कब होगा, जब इसका ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ज़्यादा शार्प होगा, ज़्यादा तीखा होगा। तो अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर घुमाव अचानक से बन जाता है, मतलब अचानक से तेज घुमाव बनता है इसके अंदर। तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इस कारण से इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको क्या मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 12 अपन डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हैं देवदान से, सरल दोलक को नियत आयाम यानी भिन्न मंदन के दोलन कर रहे हैं, जब गोलक अविस्थापन इसके अधिकतम मान से कम है तो इस स्थिति में त्वरण का त्वरण की दिशा आपको बतानी है। बात सुनना भी, यहाँ पर कोई पेंडुलम है, अब यहाँ पे तो अधिकतम विस्थापन है और यहाँ पे इसका वेग अधिकतम हो जाएगा, और जैसे मान के चलेगा ये चरम स्थिति होगी। अपन किसी इस स्थिति की बात करते हैं या कोई सामान्य स्थिति होगी भी, ये स्थिति तो ऑब्वियसली इसका अपने को क्या करना है, अभी त्वरण फाइंड आउट करना है। तो त्वरण अपन कैसे निकाल सकते हैं देवदान से, देखो कौन कौन से त्वरण इसके पास में आ जाएंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे वर्ताकार गति कर रहा है, और अगर ये वर्ताकार गति कर रहा है तो इसके पास में एक अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, और आपको मालूम है कि अभिकेंद्रीय त्वरण इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, केंद्र की तरफ होती है। तो एक तो त्वरण इधर की तरफ हो गया, ठीक है ना, और एक इस पर त्वरण किधर की तरफ हो जाएगा, अभी इधर की तरफ हो जाएगा, कि स्पर्शकीय त्वरण हो गया, अभी स्पर्शकीय त्वरण, ये स्पर्शकीय त्वरण हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, एसी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एटी बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्शकीय त्वरण की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये जो पिंड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, चरम स्थिति से माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, तो इसकी चाल बढ़ रही है, और इसकी चाल को कौन बढ़ा रहा है, इसकी चाल को बढ़ा रहा है स्पर्शकीय त्वरण। तो इस स्थिति में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। तो ये आपके पास में क्या देगा, अभी ए वेक्टर हो जाएगा। तो देखो ए वेक्टर इस ऐसा किस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ठीक है ना, ये बात होगी। अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि इसका वेग कितना देगा, अभी जीरो, चरम स्थिति पर वेग कितना देगा, अभी जीरो। तो अभिकेंद्रीय त्वरण तो होगा नहीं, केवल और केवल इस पर स्पर्शकीय त्वरण हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। और अगर अपनी माध्य स्थिति पर बात करें तो माध्य स्थिति पर ध्यान से देखना, देखो इसके पास में त्वरण है वो किधर की तरफ हो जाएगा, केवल और केवल इधर की तरफ हो जाएगा, केंद्र की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा त्वरण हो जाएगा, अभी एसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी। तो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी पार्टिकल अगर वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में केंद्र के अनुदिश अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है। अब यहाँ पर तो इसका वेग जीरो है, इस कारण से अभिकेंद्रीय त्वरण कितना देगा, जीरो। तो केवल और केवल स्पर्शकीय त्वरण लगेगा अभी, और ये जो स्पर्शकीय त्वरण है ना ये इसकी चाल को बढ़ाता है अभी। तो जैसे पार्टिकल माध्य स्थिति तक आता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, और जैसे पार्टिकल कहाँ पर पहुँचता है, अभी माध्य स्थिति पर पहुँचता है, तो माध्य स्थिति पर पहुँचता है तो इस स्थिति में इस पर जो फोर्स है एम जी फोर्स किधर की तरफ लगता है, इधर की तरफ लगता है एम जी। तो इस एम जी का कोई भी कंपोनेंट है वो इधर की तरफ नहीं आ रहा, अभी इधर की तरफ नहीं आ रहा, और एम जी का कोई भी कंपोनेंट है वो क्षैतिज दिशा में नहीं आ रहा। तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अभी कि इसका जो स्पर्शकीय त्वरण है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो एक इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि कोई भी सरल लोलक या कोई भी पेंडुलम मान के इसलिए अगर दोलन कर रहा है तो आपको बताना है कि चरम स्थिति पर कौन सा त्वरण होगा, चरम स्थिति पर केवल और केवल स्पर्शकीय त्वरण होगा, माध्य स्थिति पर केवल और केवल कौन सा अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जब ये बीच में कहीं पर होता है, ठीक है ना, तो बीच में कहीं पे होता है तो दोनों त्वरण होते हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वही आपको नेट एक्सलरेशन की डायरेक्शन बताता है। तो ये थी आपकी सर्कुलर मोशन की डाउट्स, मैंने आपको मैक्सिमम जो जो वास्तव में डाउट्स बन सकती थी वो मैंने आपको सोल्व करवा दी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके अच्छे से सर्कुलर मोशन समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन के अंदर मैंने आपको जो भी कंसेप्ट बताए उन कंसेप्ट को आप अच्छे से लर्न करें, और उसके बाद में अगले लेक्चर पर बच्चों अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, यानी द्रव्यमान के अंदर। तो द्रव्यमान के अंदर अगले पे स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन में फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है तो उस डाउट को आप इंस्टीट्यूट के अंदर फॉरवर्ड कर देना, इंस्टीट्यूट उसका आपको जवाब दे देगा भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।